जस्टिस लोया के संबंध का जो जजमेंट आया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द रिलेटेड इश्यूज. जस्टिस लोया डायड ऑन द 1st of December 2014. There was no complaint, no grievance for 3 years. 1 दिसंबर 2014 को जस्टिस लोया का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ. मुंबई के एक वो जज थे सवर्ण जुडिशरी के. 3 साल तक कोई चर्चा नहीं हुई. 21 दिसंबर 2017 को कारवां में एक लेख आता है. टू डेज इन द कारवां इन 2017, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट, दिसंबर प्रॉब्ली, एंड देयर आफ्टर, सॉरी, इट इज ए लिटिल, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट डेट. और उसके बाद एक खुराफात शुरू होती है. हर को कोर्ट जाने का अधिकार है, आजाद देश है, लेकिन हम लोगों ने खामोशी बरती. बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, अमित शाह जी, हम सबों ने एक ही बात कहा कि मामला कोर्ट में हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेट द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स. राहुल गांधी माननीय राष्ट्रपति जी के यहां डेलीगेशन लेकर गए, वहां तरह तरह के आरोप लगाए गए. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ क्या क्या टिप्पणी नहीं की गई, फिर भी हम लोग खामोश रहे. हम लोगों ने एक ही बात कही, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, द मैटर इज इन कोर्ट. और आज जब कोर्ट का फैसला आया है तो हम कुछ बातें कहना चाहेंगे. आज मेरे पास जजमेंट है, थोड़ा इसके कंक्लूजन को हम डिटेल में बोलना चाहेंगे और उसके बाद हम कुछ सवाल उठाना चाहेंगे. यहां पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार यह कहा गया, एक तो आपको मालूम है कि जस्टिस लोया अपने एक जुडिशियल ब्रदर सिस्टर ऑफिसर के बेटे की शादी में गए थे, कई और लोग आए थे, नागपुर में रवि भवन में ठहरे थे, वहां उनको हार्ट अटैक होता है. उनके 3-4 साथी जो आसपास ठहरे हैं, उसी सर्किट हाउस में ठहरे हैं रवि भवन में, वो उनको अस्पताल ले जाते हैं. वहां उनको पूरा मेडिकल एड की कोशिश हो जाती है, डिड नॉट सर्वाइव. उनका पोस्टमार्टम भी होता है, बाकी भी होता है, कोरोनरी इनसफिशियंसी वॉज द रीजन. ये बात खत्म हो जाती है. उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि 3 साल के बाद ये विषय उठता है. अब हम आपके सामने एक जो सबसे बड़ी बात कहना चाहते हैं, जहां पर कोर्ट ने एक बात कही है, हम उसके पैरा 27 को आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि उस पर बहुत चर्चा हुई है. और कोर्ट ने कहा है, द इंटायर रिकॉर्ड इज बिफोर अस, एफिडेविट्स कैनॉट इंप्रूव द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट. एंड दे हैव ऑल्सो नोटेड कि मिस्टर महाराष्ट्र के वकील ने कहा, और भी जो रिकॉर्ड आप मांगे हम देने को तैयार हैं. हियरिंग हैव बीन कन्वेड ओवर 10 डेट्स ऑफ जुडिशियल सिटिंग. वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन एट दिस स्टेज टू कॉल अपॉन द स्टेट टू फाइल एफिडेविट्स, सिंस ए फुल एंड कंप्लीट अपॉर्चुनिटी हैज बीन ग्रांटेड टू ऑल द पार्टीज एंड देयर काउंसिल टू एड्रेस द सबमिशन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस. The desire to address the entire record is before the court. ये important बात, the entire record is before the court. अब उन्होंने पूरा विषय नोट करने के बाद एक जो उन्होंने बड़ी बात कही है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने पाया कि मैं पढ़ रहा हूं जजमेंट के पैरा 36 से, द एडवांस रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर एनडी टुमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिकॉर्डिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ इज
coronary artery insufficiency. और ये पोस्टमार्टम ने भी उसको पूरा रिकॉर्ड किया है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं समय के कारण, कि उन्होंने पूरा डिटेल्स किया है. उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है कि उन्होंने चार जुडिशियल ऑफिसर्स को के पूरे रिपोर्ट को उन्होंने एग्जामिन किया है, और एग्जामिन करने के बाद जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं. ये बात देश के सामने कम आई है. द कमिश्नर ऑफ स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सॉट द परमिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट टू रिकॉर्ड द से ऑफ जस्टिस श्रीकांत कुलकर्णी, जस्टिस मोडक, जस्टिस राथियन बर्डे बाय कम्युनिकेशन डेटेड 23 नवंबर 2017 द रजिस्ट्रार जनरल स्टेट द चीफ जस्टिस ग्रांटेड परमिशन टू डू सो. तो जब पूरी इंक्वायरी हो रही थी स्टेट होम विभाग के द्वारा, उन्होंने चीफ जस्टिस की अनुमति से चारों को रिकॉर्ड किया. दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज नॉट ए सडन इंक्वायरी बाय द स्टेट, द इंटायर प्रोसीजर वॉज फॉलोड अंडर द रेलेवेंट विजिलेंस मैनुअल. और यहां पर मैं एक जज की रिपोर्ट को स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 44 में कोट किया है. I along with S.M. Modank and B.H. Loya left Mumbai by train and reached Nagpur in the morning. We went to Ravi Bhavan guest house where VIP suite was booked. On the night of 30th November 2014, we attended reception arranged by Swapna Joshi. Early morning on the 1st December 2014, she Loya started complaining of chest pain. I called my another brother judge at Nagpur Barde by calling on his cell phone. We rushed immediately to Ravi Bhavan. Accordingly, she Barde with other colleague Rathi rushed to Ravi Bhavan guest house. We took Loya to nearby Dande hospital by using car of Shri Barde where emergency treatment was given. और वो पूरी बात को रिकॉर्ड करते चार चार जज जो अपने एक सिस्टर जज के बेटे की शादी में गए हैं जहां लोया भी गए हैं. एक नेचुरल ह्यूमन कोर्स है कि वो चेस्ट पेन में जस्टिस लोया को लेकर जाते हैं. और इन सबों के स्टेटमेंट चीफ जस्टिस की अनुमति से रिकॉर्ड हो रहे हैं. और वहां उन्होंने पूरा बताया कि हम उनको अस्पताल ले गए, उनको ट्रीटमेंट की कोशिश की, कुड नॉट सर्वाइव. बाकी चारों का मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं जो आपके सामने है. अब हम यहां पर एक बात कहना चाहते हैं क्योंकि जजमेंट के बाद मुझे कुछ टिप्पणी करनी है और खास करके कांग्रेस के बारे में. इस पूरे कोर्स की हियरिंग में आई एम ऑल्सो ए सीनियर लॉयर, अपना केस चला जाता है, एक अजीब बात हुई कि बहस में इन चारों जजेस पर टिप्पणी की गई, बहस में दो बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस पर टिप्पणी की गई, और बहस में सुप्रीम कोर्ट के जो दो जज सुन रहे थे उन पर भी टिप्पणी की गई कि बॉस यू आर फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट देयरफॉर यू डॉट डॉट डॉट. इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं. जजेस ने क्या कहा है अब एक बात देखिए कितनी गलत बयानी की गई, इसको भी देश के सामने आना चाहिए. कहा गया कि ये जजेस जो बोल रहे हैं ये मुंबई हाई कोर्ट के दो जजेस के प्रभाव में बोल रहे हैं क्योंकि दो जजेस ने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू दिया था, देयरफॉर कंटेम्प्ट शुड बी डन अगेंस्ट देम. मैं उसको पढ़ना पाता हूं. कोर्ट ने क्या कहा, द सबमिशन इज प्रिपोस्टरस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अनडिस्गाइज्ड अटेम्प्ट टू मेलाइन फोर सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट. व्हाट द सबमिशन ग्लॉसेस ओवर इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस वॉज पब्लिश ऑन 27 नवंबर 2017 एंड दैट वॉज वेन स्टेटमेंट्स एट्रीब्यूटेड जस्टिस गवाई एंड जस्टिस सुक्रे वॉज पब्लिश्ड. द स्टेटमेंट ऑफ फोर जुडिशियल ऑफिसर्स आर डेटेड 23rd and 24th नवंबर 2017. इन फैक्ट रिसीव्ड बाय द कमिश्नर ऑन 24th नवंबर, मच बिफोर द एक्सप्रेस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड. We are mentioning this aspect because the line of summary in this case indicates an unfortunate attempt to use every possible ploy to cast aspersion on the member of the district and higher judiciary.
the senior counsel chose with all seriousness to make those submissions without a sense of responsibility and without verifying the basic fact revealed a disturbing state of affairs. We must express our disapproval in no uncertain terms. तो गलत बयानी की जा रही है जुडिशियल ऑफिसर्स को बदनाम करने के लिए. उनका स्टेटमेंट चार दिन पहले रिकॉर्ड हो गया और एक्सप्रेस में बाद में छपता है.